हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका भाई संजय यादव बरढ़िया। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे जाना सोमनाथ और कितने ब्रेक लगेंगे आपको और कितने समय लगेंगे और कहां से जाना। मैं आ गया हूं राजकोट बस स्टेशन पे। करीब 11:30-12 की हमारी एक बस थी, हम ये बस पकड़ लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे सोमनाथ। सोमनाथ हम लोग आ गए हैं और सोमनाथ ट्रस्ट में ही मैं रुका हूँ। वहाँ पर बहुत ही कम रुपये में आपको मिलने के लिए रहने के लिए मिल जाएगा। बेड वगैरह, बाथरूम वगैरह सब कुछ इंक्लूड है उसी में, बहुत ही सस्ते मिल जाएगा। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गया था। अभी बहुत ही शांत है, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए सोमनाथ दिख रहा है, सोमनाथ मंदिर आपको पर जूम करना पड़ेगा। हम लोग निकल गए 5:30-6 बजे करीब, 6:30 करीब निकल गए हैं। ये आपका मेन गेट है सोमनाथ का। तो पहले मेन गेट पे आ गए हैं और सुबह एंट्री करने से पहले पहले आपको मोबाइल वॉलेट फ़ोन वगैरह जो भी है आपके पास, बैग वगैरह जमा करना पड़ेगा और ले जाना प्रतिबंध है, ठीक है। फिर हम लोग जमा करा दिए, उसके बाद निकल गए। ये देखिए सोमनाथ मंदिर दिख रहा है, उसका मेन गेट है। उसके बाद पूजा करके आ गया मैं, और पूजा करके आने के बाद फिर हम लोग चले गए। दूसरा एक मंदिर था वहाँ पर चले गए, वहाँ मतलब ये एक राम मंदिर वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर हम गए और हम लोगों ने वहाँ पे जाके पूजा अर्चना किया। फिर राम राम लिख के उसका लेखन भी किया और ये हम लोगों ने सहयोग किया राम मंदिर अयोध्या के लिए। ये जाएगा राम मंदिर अयोध्या में। उसके बाद आपका आपके ईमेल पे एक सर्टिफिकेट आएगा, इसका जो आप एक लिख रहे हैं इसका सर्टिफिकेट आएगा आपको। फिर हम लोग चल गए श्री कामनाथ महादेव, ये भी एक उसी वहीं पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है कामनाथ महादेव का मंदिर। वहाँ पर आप जाएँ, जरूर जाएँ। जब जा रहे हैं सोमनाथ तो वहाँ पे ज़रूर जाएँ। मतलब ये सब तीर्थयात्रा जो भी है 10 पॉपुलर वो उसमें आ जाएंगी। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको माता लक्ष्मी का, माता सरस्वती का और यहाँ पे गौशाला भी है, तो वो सब दर्शन करने को आपको मिलेंगे। अंदर चले जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ पे गुफा भी एक है, गुफा के अंदर भी जाएंगे आप लोग। पहले ये महादेव जी के दर्शन करें आप, उसके बाद निकल जाएं। ये देखिए श्री शंकराचार्य का गुफा है, उसके अंदर हम लोग जाएंगे और गुफा में देखेंगे जाके। उसके बाद दूसरा एक गुफा था, गुफा के अंदर भी हम लोग को ले जाके दिखाते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट है गुफा के अंदर जाना, पर कोई बात नहीं, आए हैं तो गुफा के अंदर भी जाएंगे और उसका दिखाएंगे आपको अंदर कैसे क्या है। एक आदमी जा सकता है एक बार में। हम लोग अंदर भी गए और अंदर का आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसा है। अंदर हम लोग चले गए हैं और ये देखिए महाराज जी हैं, ये बल्लभा जो ये हैं शंकराचार्य जी हैं। बलदेव जी का भी मंदिर दिखाएंगे आपको, उनकी गुफा दिखाएंगे। ये बलदेव जी का मंदिर है, ये उनकी गुफा है, बलदेव जी की प्रतिमा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर नतमस्तक हुए और फिर हम लोग चले गए थोड़ा सा अंदर, बलदेव जी की गुफा में गए। उनका पादुका था वहाँ पे, हम लोगों ने उनके पादुके का भी वहाँ पे गए, हम लोग चरण स्पर्श किए, पूजा अर्चना किए, उसके बाद निकल गए। ये सभी ये तीर्थयात्रा जो भी हैं यहाँ पे आपको, मतलब जो भी जितने भी धाम हैं यहाँ पे आपको एक टाइम में घुमा दिए जाएंगे। मतलब ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जब आप सोमनाथ जाए तो ये सब चीज़ें ज़रूर घूमें। फिर हम लोग आ गए यहाँ पर, ये दूसरा मंदिर था। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की जो जितनी भी उन्होंने लीलाएं की थी, जो भी उनका अवतार हुए उसका सबका वर्णन किया गया है इसमें, देख सकते हैं। जूम करके आप जब देखेंगे तो आपको दिखेंगे इसमें जो भी लिखा हुआ है उनके बारे में, और उनकी प्रतिमा भी लगी है यहाँ पे, तो आप इसको ज़रूर देखें। इससे आपको ये सीख मिलेगी कि हमारे जो पूर्वज लोग कैसे थे। फिर हम लोग आ गए भागवत महात्मा, यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे थोड़ा दूर रुके, बहुत ही शांति था, बढ़िया था, तो हम लोग यहाँ पे रुके। आप यहाँ पर भी जाना ना भूलें, यहाँ पे ज़रूर जाएं आप। तो ये सब जो है ना सोमनाथ के, जो सोमनाथ मेन मंदिर है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप चाहे तो ऑटो कर सकते हैं, ऑटो वाला आपको कुछ लेगा 300-400 रुपये। यहाँ पे है ना ये त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम मतलब बोले तो ये तीन नदियों का संगम है। यहाँ पे भी ज़रूर जाएं आप जब जा रहे हैं तो। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और हम लोग चले गए दूसरी जगह। हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, एक और मंदिर है बालका तीर्थ महात्मा का जो मंदिर है। हम लोग यहाँ पे आ गए जहाँ पे श्री कृष्ण जी को लगा था तीर,
जहाँ पर इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था वहाँ पे हम लोग आए गए हैं, और प्रभु के दर्शन भी यहाँ पे हुए। हम लोग दिखाते हैं आपको, प्रभु के दर्शन हुए यहाँ पे, हम लोगों ने पूजा अर्चना किया, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और हम लोग एक और दूसरा एक मेन जहाँ पे हम हैं वहाँ से 25-30 किलोमीटर, 100 बार काशी एक बार प्राची, तो यहाँ पे ज़रूर जाएं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।